नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मेरे चैनल का नाम कॉमर्स अड्डा लातूर है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ITR 3 और 4 में क्या फ़र्क है। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि भाई हमें बिजनेस रिटर्न भरना है और हम इस फील्ड में नए रहते हैं तो हमें कन्फ्यूज़ होता है कि भाई इसका ITR 3 भरे या 4 भरे। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में दूर करूँगा अगर आप नए हैं तो इस प्रोफेशन में, ओके। और मैं जो सारी वीडियो बनाने वाला हूँ नए ही बना, जो मतलब ये समझ के बनाने वाला हूँ कि आप इस फील्ड में नए हैं, ओके। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो दोनों के लिए सेम ही लगेंगे, मतलब चाहे आप ITR 4 भरो या चाहे ITR आप 3 भरो, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न भरने के लिए सेम ही लगेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ओके। डिफरेंस ये है कि भाई ITR 3 कौन भर सकता है और ITR मतलब दोनों के लिए क्या कंडीशन है और किस सिचुएशन में हम ITR 4 नहीं भर सकते। तो मैं यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ ITR 3 में और ITR 4 में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, ITR 3 में और ITR 4 में। ITR 3 हम कब भरते हैं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब भाई हमारा सेल कितना हुआ, हमारा परचेस कितना हुआ है, हमारे जो भी डे टू डे के ट्रांजैक्शन के जो भी खर्चे हैं वो कितने हुए हैं, मतलब हम हिसाब अगर मेंटेन करते हैं तो हमें ITR 3 हम भर सकते हैं। उन लोगों के लिए ITR 3 है, क्योंकि हिसाब मेंटेन करना आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए कंप्यूटर लगता है, एक आदमी लगता है, टेबल, फर्नीचर, रिपेयर, मेंटेनेंस, बहुत सारा खर्चा होता है हिसाब मेंटेन करने के लिए। इसलिए एक गवर्नमेंट ने एक छूट दी है कि भाई आपका 2 करोड़ तक अगर ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है, तो आप ITR 4 भर सकते हो, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अगर छोटा मोटा क्लाइंट है, 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो उसका रिटर्न आप ITR 4 में भर सकते हैं। यह मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन की नहीं। प्रोफेशन के लिए अलग लिमिट है और बिजनेस के लिए अलग लिमिट है, ओके। फिलहाल हम इस वीडियो में बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा भी है कि नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप ITR 3 है भर रहे हैं तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम ITR 4 पे, यहाँ पे क्या लिखा है, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर छोटा मोटा क्लाइंट है, 2 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। खाली कंडीशन यही है कि जो भी सेल होगा उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसका मिनिमम अगर वो डिजिटल माध्यम से अगर पैसा लेता है बैंक के माध्यम से, ओके, तो उसको मिनिमम 6% इनकम दिखाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए, अगर वो 1 लाख रुपए का उसका सेल होता है तो 6% कितना होता है, 6,000 रुपये उसको इनकम मिनिमम दिखानी पड़ेगी, ओके। तो यही बेसिक डिफरेंस है, 1 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर है तो मिनिमम उसको 6 लाख इनकम दिखानी पड़ेगी, अगर डिजिटल से अगर वो पैसा एक्सेप्ट करता है तो। अगर कैश में पैसा एक्सेप्ट करता है सेल का, तो मिनिमम सेल का जो भी है, सॉरी, सेल का मिनिमम 8% उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ITR 3 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आप 8% दिखाओ, 6% दिखाओ, जो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो और दिखा दो, ठीक है। अब किस सिचुएशन में हम ITR 4 नहीं भर सकते, उसकी क्या लिमिटेशंस है, वो हम नीचे देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, अगर ये इस केसेस में अगर आपका क्लाइंट फॉल करता है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, जैसे कि अगर आपके क्लाइंट का अगर एजेंसी बिजनेस है, अगर वो किसी ब्रांडेड कंपनी की अगर एजेंसी लिया है उसने, या फिर कमीशन या ब्रोकरेज का अगर वो काम करता है, कमीशन लेके या ब्रोकरेज पे, तो वो ITR 4 नहीं भर सकता, उसको ITR 3 ही भरना पड़ेगा। दूसरा है एग्रीकल्चरल इनकम, अगर उससे खेती की अगर खेती है उसके और उससे कुछ इनकम आती है और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज़्यादा इनकम है। इनकम का मतलब आपको मालूम है, इनकम मतलब रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, जो बच जाता है उसे हम इनकम कहते हैं। अगर वो इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, आपको ITR 3 भरना पड़ेगा, ओके। और कौन सी सिचुएशन में हम ITR 4 नहीं भर सकते, देखिए आगे, कैपिटल गेन और लॉस। अगर आपके क्लाइंट का कुछ कैपिटल गेन है या लॉस हुआ है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर उसने खेती बेची है या फिर घर बेचा है, या फिर उसने शेयर्स में ट्रांजैक्शन की किया है, शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो वो ITR 4 नहीं भर सकता है, ठीक है। उसके बाद है, हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसका आप ITR 4 नहीं भर सकते, उस क्लाइंट का, उसको ITR 3 भरना पड़ेगा। उसके आगे का पॉइंट है, हु हैज़ इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर उस क्लाइंट के पास 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी से अगर उसको कुछ रेंट आता है दोनों से,
दो या दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप आई टी आर 4 नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे भरने का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर है तो। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं आप। लेकिन बाद में आगे लिखा है हु हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर उसने किसी जो जिस भी कंपनी का, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है अनलिस्टेड है, उस कंपनी का अगर वो शेयर्स बाय करता है या होल्ड करता है तो वो आई टी आर 4 नहीं भर सकता। उसके बाद है ब्राउड फॉरवर्ड लॉस और लॉसेस, अगर उसको पिछले साल में अगर उसको कहीं लॉस हुआ है, अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है पिछले पिछले साल में, कभी भी अगर उसको लॉस हुआ है, उसने रिटर्न भरा है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो आई टी आर 4 में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसको आई टी आर 3 ही भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस और अदर स्पेशल इनकम्स, जैसे अगर उसको मानो लॉटरी से इनकम हो गई है, कुछ गेम से इनकम हुई है, तो आई टी आर 4 नहीं भर सकता, क्योंकि इन पर स्पेशल रेट लगते हैं, तो उसको आई टी आर 3 भरना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव इनकम मतलब जैसे बोलते हैं ना गैम्बलिंग जैसे इनकम, तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। जैसे शेयर्स इंट्राडे ट्रेडिंग जो रहते हैं शेयर्स के ऊपर, मतलब सुबह खरीदेंगे दोपहर या शाम को बेचेंगे, अगर एक ही दिन में खरीदते हैं और एक ही दिन में बेचते हैं तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। उसके उस ट्रांजैक्शन में अगर ऐसा कोई काम करता है आपका क्लाइंट, तो आई टी आर 3 नहीं भर सकते आपको, आई टी आर 4 नहीं भर सकते आपको, आई टी आर 3 ही भरना पड़ेगा। ये जो मैंने सारी लिस्ट दी है ना, अगर ये कोई काम करता है आपका क्लाइंट, तो उसके लिए आप आई टी आर 3 नहीं भर सकते आपको, आई टी आर 4 ही भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैंने ये लिस्ट क्यों दी है? अगर ये लिस्ट में से अगर कोई भी क्लाइंट आपका कोई भी काम करता है, ये और भी बहुत सारी लिस्ट है, मैं एग्जांपल के लिए इतना ही दिया हूँ क्योंकि ज़्यादातर यही काम में आता है, अगर इसमें से कोई भी काम करता है तो आपको आई टी आर 4 नहीं भर सकते, आई टी आर 3 भरना पड़ेगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर आपका क्लाइंट फॉरेन सोर्स से कुछ कमाता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी है फॉरेन में और वहाँ से कुछ इनकम उसको आती है, तो आप आई टी आर 4 नहीं भर सकते, आपको आई टी आर 3 भरना पड़ेगा। तो एक कुछ बेसिक सा डिफरेंस था आई टी आर 3 में और आई टी आर 4 में, जो बहुत बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो ये मैंने मतलब जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कहीं भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, सीए के हैं, सीएस के हैं, जब भी उनको प्रैक्टिकल में जाते हैं प्रैक्टिकल काम करने में, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है, तो यही दिक्कत दूर करने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।